नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा और लेकर आ गई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुस्कान, जिसमें हर बार मैं आपको देती हूं ढेर सारी जानकारी जिससे होता है आपका ज्ञानवर्धन। आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे द्वितीय भोपाल विज्ञान मेला 2013 में, जहां देश की रक्षा से जुड़े कई सारे अनुसंधानों का प्रदर्शन किया गया। इस खास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। इस कार्यक्रम में कई वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। मुझे हर्ष है कि द्वितीय विज्ञान मेला, जिसमें अनेक संस्थाओं की प्रतिभागिता है, में भारत की वैज्ञानिक शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। हमारे देश को 5 समस्या है: एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर। चीफ मिनिस्टर जी ऐसा उन्होंने कहा है, वो इधर एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वाटर भी कई जगह में मिलता है और किधर शॉर्टेज होता है वो नर्मदा से लिफ्ट करके वो मेक अवेलेबल करेंगे। और एग्रीकल्चर एरिया भी वाटर बल्थ एक्सपेंशन हुआ है। और अगला प्रायोरिटी होगा एजुकेशन और हेल्थ केयर में। ये बहुत अच्छा दिशा है, हम बहुत खुशी है मध्य प्रदेश साइंटिफिक अप्रोच में ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परिश्रम करता है। विज्ञान विकास के साथ, मतलब विज्ञान का उपयोग जो है हमारे प्रदेश के विकास में यदि होता है, उसी अवधारणा से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये दूसरा आयोजन है, उसमें आप सभी लोग पधारे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप सब लोगों के लिए, विद्यार्थी खासतौर से हमारे युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा और उन्हें एक तरीके से मार्गदर्शन भी देगा कि वो अपने आने वाले समय में किस तरीके से वो अपना करियर जो है अनुसंधान और देश ही नहीं देश के विकास में विज्ञान को किस तरीके से ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है वो ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही लाभदायक। लेकिन इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा DRDO, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए जाने इसी के बारे में। DRDO मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो तीनों सेनाओं के लिए काम करती है। जल, थल, वायु सेना की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो DRDO को देती है। ये आर्मर प्रोटेक्शन पैनल ALH हेलीकॉप्टर में लगाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड में वैलीज में जाते हैं आतंकवादियों की खोज में, और उनसे ये सुरक्षित रहता है हेलीकॉप्टर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सैनिक हर मौसम हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, फिर चाहे वो कड़कती हुई धूप हो या फिर बर्फीली ठंड, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है हमारे देश की सुरक्षा। तो हमारी सरकार का भी फर्ज है इन सैनिकों की सुरक्षा, और इसके लिए हमारे देश में कई अनुसंधान चलते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन्हीं के बारे में। बाउंड्री पे, सीमा पे जब भी कोई NVC अटैक होगा, उसको सबसे पहले डिटेक्शन करना पड़ेगा कि वो मटेरियल क्या है। उस केमिकल को पहले जब डिटेक्ट कर लेगा, अगर वो नर्व एजेंट सबसे खराब एजेंट होता है, सबसे खतरनाक एजेंट होता है, उस एजेंट अगर है तो ये सिपाही के पास और 2 महीने रहते हैं। तो जैसे ही उसको नर्व एजेंट होता है, उसमें से इसको खोलता है वो पहले, और इसके बाद ये 2 केमिकल हैं इसमें, एक है एटोपिन सल्फेट, पहले निकालेगा और लगा लेगा, फिर उसके बाद दूसरा खोलेगा वो लगा लेगा, इसके बाद वो सेफ हो जाएगा, 30 मिनट तक सेफ रहेगा, इसके बाद वहाँ से भाग लेगा और सेफ जोन में आ जाएगा। हमारे पास सोल्जर्स को ठंड प्रदेशों में काम करते हैं, उनसे बचाने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं और कुछ क्रीम है। ये एलोकेलिक क्रीम है जो जब सेना हमारी जो लेह लद्दाख में वहाँ पर टेम्परेचर -40°C होता है तो उनकी उंगलियाँ गल जाती है, उससे बचाव के लिए एलोकेलिक क्रीम है, तो उनको फ्रॉस्ट बाइट नहीं होता है। ये 2 डिफरेंट टाइप के हीटिंग ग्लव्स है, जिसको पहनकर आपके हाथ का टेम्परेचर 22°C के आसपास होता है, जबकि बाहर का तापमान -40°C होता है। ये इलेक्ट्रिकली हीटेड ग्लव्स है और ये भी वही है, लेकिन इसमें बैटरी जो है वो ज़्यादा टाइम तक चार्ज रहती है और इसकी बैटरी बहुत छोटी है। और ये बुखारी है,
ये हम सेना को देते हैं, जब सेना हमारी बहुत हाई अल्टीट्यूड पर जाती है तो बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो उस तापमान में रहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कमरे के अंदर वो यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर स्टोव होता है और इसके ऊपर ये बुखारी रखते हैं, इसके ऊपर एक फ़ैन, एक मोटर लगा होता है, फ़ैन का काम करता है और वो पूरे गर्म हवा को पूरे कमरे में सर्कुलेट करती है। तो हमारा कमरा वहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म होता है और यहाँ से एग्जॉस्ट पाइप बाहर निकलता है, सो कमरे के अंदर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। हमारा देश अब वैज्ञानिक अनुसंधानों में किसी देश से पीछे नहीं है और इसका जीवंत उदाहरण है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस व्हिच इज अ यूनिवर्सल इन नेचर मींस इट कैन बी फायर्ड अगेंस्ट अ लैंड टारगेट एंड अ सी टारगेट, अ सेम मिसाइल विदाउट एनी चेंज ऑफ इन कॉन्फिगरेशन। द मिसाइल कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द शिप, इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द लैंड बेस कॉम्प्लेक्सेस, इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द एयरक्राफ्ट, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सबमरीन्स। सो इट इज हैविंग अ यूनिवर्सलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेटफॉर्म। This supersonic missile is flying at the speed of 3 times of the speed of sound. Presently, Indian Army and Indian Navy, they are having this missile in their arsenal. We are here to promote aerospace sector in Madhya Pradesh, as there are very few companies which are working in a defense and aerospace sector in Madhya Pradesh. And there is a huge potential which can be exploited for the Madhya Pradesh. So there is an opportunity for us also and for the state also to come together and to work and to create something for a future of our state, future of our country, future of our nation. आपको बता दें कि इस खास प्रदर्शनी में विशेष प्रकार के टेलीस्कोप के जरिए बृहस्पति और शनि ग्रह को देखना भी संभव था। शनि ग्रह से हमें पृथ्वी के सबसे पास है, वर्ष में सबसे कम दूरी पर है। हम टेलीस्कोप से शनि ग्रह के रिंग्स ही दिखाएंगे, इसके अलावा जुपिटर दिखाएंगे और उसके साथ चार चंद्रमा भी दिखाई देंगे। इसकी क्षमता यह है कि जुपिटर के भी 4 मून को इसमें देख सकेंगे। खाली आंखों से हम देखेंगे तो हमें जुपिटर दिखाई देगा, लेकिन जब हम इस टेलीस्कोप से देखेंगे तो जुपिटर दिखाई देगा, उसके अंदर का जो तूफान है वो भी दिखाई देगा, साथ में उसके चंद्रमा भी दिखाई देगा। इस प्रदर्शनी में देखी गई विज्ञान की कई सारी तकनीकें और खास बात यह रही कि इन तकनीकों से किसानों को जोड़ने की भी कोशिश की गई। अब आज कृषि को तकनीकी से जोड़ना बहुत आवश्यक है। आज जो पूरा जो हॉर्टिकल्चर खेती है वो पूरा अच्छे से उसकी तकनीकी जानने के बाद ही की जा सकती है, और साथ ही शासन द्वारा क्या क्या अनुदान दिए जा रहे हैं किसानों को उसके बारे में किसान जान सकता है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे किसानों को जो जो शासन द्वारा, उद्यान विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारियाँ हैं, पंपलेट्स हैं, वो किसानों को हम दे रहे हैं। साथ ही वो कहाँ संपर्क करें, कैसे इनसे लाभान्वित हों वो बता रहे हैं, और साथ ही इनसे कैसे अधिक से अधिक लाभ लें तकनीकी ज्ञान के बारे में अगर जानना चाहें तो वो भी हम उनको बता रहे हैं। तो देखा आपने, आज हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं और इन्हीं का प्रदर्शन द्वितीय भोपाल विज्ञान मेला में किया गया।